फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया सर। वेरी गुड, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। उसको कुछ नहीं होगा, अपनी पुलिस सिविल ड्रेस में फॉलो कर रही है। एक बड़े पुलिस फोर्स का बंदोबस्त करो। द गेम इज गोइंग टू गेट ओवर। जीजा जी, जीजा जी, एक अच्छी खबर है, बॉस की टोटल फैमिली को किडनैप करके हमारे लोग यहाँ ला रहे हैं। लेकिन साथ में एक बुरी खबर भी है। अब क्या हुआ रे? टिया जी कस्टडी से बॉस भाग गया है। जब भी देखो हमेशा बोझ मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है रे? अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपना परिवार बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। ये कौन है रे? ये बोझ का बेटा है। मैं इसके साथ मौत का खेल खेलूंगा। अरे क्या करे? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोझ का बच्चा बनकर पैदा हुआ है ये, यही बाप है। कहाँ है बोझ? मुंडन क्यों? पता कहाँ है तेरा भाई बोस? मुझे तू भी चाहिए, तेरा भाई भी चाहिए। एक घंटे की मोहलत देता हूँ, उसको लेकर आ जा तू, नहीं तो तेरे परिवार के हर सदस्य को 10-10 मिनट के अंदर मारता रहूँगा। चाचा आप जाकर पापा को लेकर आइए ना, ये कह रहे थे कि मेरे भाई को मार डालेंगे, बहुत डर लग रहा है। पहलू मैं कह रहा हूँ जाओ, तुम जल्दी से बोस को लेकर आओ, उसकी ताकत क्या है इसे पता चलना चाहिए। तब तक तेरे परिवार के साथ मौत की रिहर्सल करता हूँ। बॉस को बुलाने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाते क्यों नहीं? जाकर बॉस को लेकर आओ। ए, बॉस को बुलाने के लिए बोला तो तू खड़ा होकर क्या पोज मार रहा है? जाके बॉस को बोला चल। जो दुनिया में नहीं है उसे कहाँ से बुलाऊं? क्या बाप अपने बेटे से मिलना चाहता है? कैसे मिलाऊं एक बाप को अपने बेटे से? कैसे मिलाऊं बता दू? इन पापियों ने भैया को मार दिया पापा। तो क्या मर गया? ये क्या बोल रहा है बेलू? मार दिया पापा। इन्हीं हाथों से मैंने भैया के चिता को आग लगाई। पापा देखना, देख उस लड़की को देख, उसके भाई ने जन्म लिया। ये बात अपने पापा को बताने के लिए उसने फोन किया था, लेकिन ये खुशखबरी सुनने से पहले इसके पापा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। हे भगवान। मेरी भाभी बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत खुश थे, इसलिए कि जब उनका पति आकर अपने बेटे से मिलेगा तो बहुत खुश होगा। भैया अब कभी नहीं आएंगे, उनको अब कोई नहीं देख पाएगा। ये मैं इन्हें कैसे बताऊं? कैसे बताऊं इन्हें? ये दर्द तो नहीं समझेगा। देख मेरी भाभी को। सच्ची पुलिस वाले से शादी करने वाली लड़की को हर समय सिंदूर बिठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा पति एसीपी बोस ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, इन गुंडों में से एक भी बच के नहीं निकलना चाहिए। सबको मारो मिलू, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, किसी को मत छोड़ना मिलू। मैं अपने मरे हुए भैया की कसम खाकर कहता हूँ कि यहाँ से एक भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। आ जाओ। Hey!
सर 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 देखिए सबको मारकर मुझे मार रहा है ये। अरेस्ट कर लीजिए सर इसको, अरेस्ट कीजिए सर, इसी ने बॉस को मारा है सर। हाँ बकवास बंद कर, सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं जानता। झूठे इल्जाम में फंसने के कारण भागा होगा और एक्सीडेंट में मारा गया होगा मेरा दोस्त बॉस। लेकिन इंक्वायरी से पता चला कि तूने ही मारा मेरे बॉस को, इसलिए तुझे पकड़ने के लिए बॉस को पकड़ने का ड्रामा किया था मैंने। तो मुझे अरेस्ट करके तुम कोर्ट में पेश करोगे? तुझे अरेस्ट करूंगा किसने कहा बेलू? मैं तुझे 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। पुलिस बैकअप। बेलू अगर तेरा भाई यहां होता तो जो वो करता वो तू कर। प्रेस वाले आ रहे हैं, तलवार नीचे फेंक दो। बेलू फेंक दे। इसे भी बॉस कहाँ है बताइए ना सर, प्लीज सर। ये सब करने के पीछे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुभाष चंद्र बोस। वो चीट फंड घोटाले की रकम 600 करोड़ मेरे पास है, मैं सरकारी गवाह बन जाता हूँ। वो कहाँ है सर? चले गए। भ्रष्टाचार करने वालों को काट कर फेंक दूंगा ये धमकी देकर गए हैं। ये है हेडलाइन टीवी और न्यूज पेपर में, इसको बड़ा न्यूज बनाकर फ्लैश करो। थैंक यू। बॉस जिंदा है इसे सब लोग यकीन करें, ये जरूरी है। वो मेरे दिल के पास था तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया। अब जो गुनाह करेगा उसे हम बॉस के नाम से जेल में डालकर हाथ पैर तोड़ देंगे। बॉस के नाम से सब लोग अच्छा काम करने लगेंगे और बॉस के नाम पर लगा कलंक मिट जाएगा। अपनी फैमिली लेकर जाओ। जी सर।